श्राद्ध पक्ष में कौए को भोजन क्यों दिया जाता है? शिव महापुराण की कथा में स्कंद पुराण में लिखा है कि जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, सारे पुण्यशाली क्षेत्र, चाहे चित्रकूट हो, अयोध्या हो, काशी हो, उज्जैनी हो, त्र्यंबकेश्वर हो, जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, सारे पुण्यशाली क्षेत्र में पिंडदान होता है। तीरथ कितने? हजारों में तीरथ। इतने तीरथ में जाकर कहां पुण्य करोगे, कहां पिंड दोगे? तो उसका एक निर्णय निकाल दिया, पितरों के देवता आर्यमा कौए पर बैठकर पितृ लोक से 16 दिन जब भ्रमण के लिए निकलते हैं तो घूमते हैं, तो क्यों ना एक काम करें कि कौए के लिए भोजन छत पे डाल दें। हमारे छत का कौवा जब अन्न का भाग ग्रहण करेगा, पितरों के देवता को बिठाकर जब घूमने के लिए निकलेगा, तो जहां जहां घूमने जाएगा, जब जब बीच में कोई तीर्थ पड़ जाएगा, तो वहां के पिंडदान का फल हमको मिल जाएगा। इसलिए कौवे को भोजन कराए।